हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कोकने आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि 2020-21 में ट्वेल्थ का सब जो फैकल्टीज़ है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, उन सब का सिलेबस चेंज हो गया है। तो आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, उसके बारे में अब न्यू नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे से हमें मिल गया है। तो चलो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास हर सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद जो प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 30 मार्क्स का, वो किस तरह से रहेगा, उसके बारे में हमें इन सब वीडियो में जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के नीचे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अदर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलो, फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर दिया है, आपको पता है कि टोटल 16 टॉपिक्स वहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट में है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन? तो आपको पता है, फर्स्ट टॉपिक होता है रोटेशनल डायनामिक्स, जो विदाउट ऑप्शन है 5 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 7। उसके बाद सेकंड नंबर का टॉपिक हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो है विथ ऑप्शन वहाँ पे 7 मार्क्स के लिए है और विदाउट ऑप्शन वहाँ पे 5 मार्क्स के लिए है। उसके बाद जो आता है थर्ड नंबर का टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, वो विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए है और जो विथ ऑप्शन आता है वो 7 मार्क्स के लिए है। उसके बाद जो 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि थर्मोडायनामिक्स, वो भी विथ ऑप्शन रहेगा 7 मार्क्स के लिए और विदाउट ऑप्शन रहेगा 5 मार्क्स के लिए। आपको पता है, जो कि 5 टॉपिक टोटल 16 टॉपिक में से बड़े हैं, उसमें से ये 4 टॉपिक जो स्टार्टिंग के हैं वो 7 मार्क्स के लिए आते हैं विथ ऑप्शन में। उसके बाद जो 5 नंबर का टॉपिक आता है दोस्तों, 5 नंबर का टॉपिक आता है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सामने है, देखो यहाँ पे दिया है मैंने। ऑसिलेशन जो टॉपिक है वो विथ ऑप्शन आता है 5 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वो आता है विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए और विदाउट ऑप्शन आता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स, वो आता है विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए आता है, ये भी बड़ा टॉपिक है और विदाउट ऑप्शन आता है 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 8 नंबर का टॉपिक है हमारा, वो आता है 6 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन आता है और 4 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन आता है। उसके बाद 9 नंबर का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स उस पर विदाउट विद ऑप्शन आ जाएंगे, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स उसमें से आ ही जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर का जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि 6 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन रहेगा, 4 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स, 5 मार्क्स विथ ऑप्शन रहेगा, विदाउट ऑप्शन रहेगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आता है 7 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन रहेगा और उसके बाद जो 5 मार्क्स के लिए कैसे रहेगा, विदाउट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आता है एसी सर्किट, जो सर्किट डायग्राम पे डिपेंड होता है, जो 6 मार्क्स के लिए रहेगा, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक कहेंगे हम उसे, जो कि डायग्राम पे डिपेंड रहेगा, वो 6 मार्क्स विथ ऑप्शन रहेगा, विदाउट ऑप्शन रहेगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है 14 नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो विथ ऑप्शन रहेगा 5 मार्क्स के लिए और विदाउट ऑप्शन रहेगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है 15 नंबर का टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कि 6 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन रहेगा और 4 मार्क्स के लिए कैसे है, विदाउट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा 12th का, आपको पता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, 5 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन आएगा और विदाउट ऑप्शन आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल जब करेंगे हम इन सब की, जब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, आप आपके बुक में भी राइट डाउन कर सकते हैं ये सब मार्क्स कितना कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए है, ये राइट डाउन भी कर ले सकते हैं।
तो आपको पता चलेगा जब आप एडिशन करेंगे इसकी भी एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे आता है 98 आता है, जो कि विथ ऑप्शन रहेगा, और उस 98 मार्क्स में से हमें कंपलसरी राइट डाउन करना है 70 मार्क्स। तो हमेशा याद रखो ये 70 मार्क्स में से हमें ज़्यादा तो ज़्यादा स्कोर कैसे आएगा उस पर ध्यान देना चाहिए, कौन सा टॉपिक इक्वेशन पे है, कौन सा टॉपिक थियोरेटिकल बेस है, ये सबको आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है प्लानिंग करना है। तो चलो आगे के पेज पे जाएंगे, उस पर हम देखेंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चन पेपर रहेगा, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, हार्डनेस कैसा रहेगा हर क्वेश्चन का, उसके बारे में भी हम सिंपल डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है वेटेज, तो वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया है, देखो उसमें दिया है नॉलेज बेस पे कितना परसेंट रहेगा और कितना मार्क्स रहेंगे उस पे, जो कि नॉलेज बेस पे रहेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं उसे, जो कि आपका नॉलेज आपको इस्तेमाल करके राइट डाउन करना पड़ता है, जो कि 29 मार्क्स कहेंगे जो नॉलेज बेस पे होता है, जो कि 30% कहेंगे। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कहेंगे थियोरेटिकल पार्ट कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे, तो ये इसमें आता है देखो 41 मार्क्स रहेंगे, जो 42% होता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन एंड स्किल, जो कि हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है, आपका स्किल वहाँ पे आता है, कोई प्रोजेक्ट रहेगा, कोई हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, जो कि हमें हमने पता है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, जिसमें हमने देखा कि रियोस्टैट देखा, उसके बाद जो अदर जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका हमें इस्तेमाल लेबोरेटरी में भी करना है, हमारे प्रैक्टिकल जो लैब है फिजिक्स की उसमें भी हमें देखना पड़ता है, तो वो किस पे आता है, एप्लीकेशन एंड स्किल पे आता है, जिसमें डायग्राम आती है, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो वो इसमें आता है एप्लीकेशन एंड स्किल में, तो वो रहेगा 28 मार्क्स के लिए। तो हमेशा याद रखो उसमें डायग्राम भी आता है, कंपलसरी रहेगा आपको, कंपलसरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 12 मार्क्स के लिए क्या होता है, कंपलसरी न्यूमेरिकल रहेंगे कम से कम 12 मार्क्स के लिए, ज़्यादा तो नहीं रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक रहेंगे, 12-15 तक वो कंपलसरी रहेंगे, वो भी यहाँ पे इसी पेज पे मैं आपको डिनोट कर दूंगा, दिखाऊंगा आगे। तो देखो आगे इसके जो टोटल करेंगे तो 100 आता है, इसकी टोटल करेंगे 98 आता है, जो कि विथ ऑप्शन रहेगा। उसके बाद देखो उसकी डिफ़िकल्टी कैसी रहती है, डिफ़िकल्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा स्टडी में। देखो यहाँ पे दिया है डिफ़िकल्टी लेवल कैसी रहेगी, जो एजुक्वेशन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एजुक्वेशन देखो यहाँ पे दिया है 29 मार्क्स के रहेंगे, 30% आते हैं। उसके बाद आते हैं एवरेज क्वेश्चन कहेंगे हम, जो कि 49 मार्क्स के रहेंगे, वो आता है 50% में, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखो सिर्फ 20% भी डिफ़िकल्ट रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। देखो इस 98 में से सिर्फ 20 मार्क्स का क्या होता है, डिफ़िकल्ट आता है, बाकी तो सब सिंपल आता है, एवरेज आता है, तो उसे हमें राइट डाउन करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन बेस पे रहेगा, नॉलेज बेस पे रहेगा, वो भी हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखो आपको जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हर सब्जेक्ट का ऐसा ही है, सेम है, आपको पता होगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे रहेगा, 1 मार्क्स होता है हर क्वेश्चन के लिए, और टोटल होते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स से 10 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होता है 1-8 तक होता है, जो कि 8 क्वेश्चन आते हैं, वो भी होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहेंगे हम उसे, तो वो भी 8 क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स के लिए होते हैं, तो 8 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद जो आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट कहेंगे हम उसे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3-14 तक आते हैं, मतलब कितने आएंगे, 12 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितने आएंगे, 12 क्वेश्चन आते हैं, तो 12 क्वेश्चन हर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, तो 12-2 करेंगे तो कितने आएंगे, 24 आ जाएंगे, तो ये होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही है, लेकिन ये जो होते हैं वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड कहेंगे हम, 15-26 तक रहेंगे, कहां से कहां तक, 15-26 तक रहेंगे, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 इंटू जब हम 3 करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 36 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये इतने क्वेश्चन रहेंगे जो हमें कंपलसरी राइट डाउन करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर। ये ले का मतलब क्या होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहेंगे हम उसे, जो कि हर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। तो 4 मार्क्स के लिए वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कंपलसरी 27-31 तक जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से हमें ज़्यादा नहीं राइट डाउन करना पड़ता है। एक तो ऑप्शन के लिए होता है, हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, 20 में से 15 कंपलसरी रहते हैं आपको जब हमें बोर्ड एग्जाम में राइट डाउन करना पड़ता है। तो 27 में से 31 तक आते हैं तो उसमें हमें राइट डाउन करना है। देखो तो यहाँ पे देखो 27-31 तक है जो क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के लिए। जब हम उसकी एडिशन करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। ओके, तो भी हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का डिस्कस किया है, नीचे वीडियो की लिंक दिया है हर सब्जेक्ट का, वो भी आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट में भी आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो आगे के पेज पे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से रहेगा। मतलब जो प्रैक्टिकल में आता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, वो प्रैक्टिकल किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 30 मार्क्स का, वो भी बोर्ड ने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है उसका, तो उसका नोटिफिकेशन हम जान लेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है इवैल्यूएशन स्कीम फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फिजिक्स 54, कोड नंबर है हमारा। तो देखो यहाँ पे दिया है जो टाइम होता है 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के लिए, जो कि यहाँ पे होते 3 आवर्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 11 मार्क्स तो आपको कम से कम आने चाहिए, कम से कम 11 मार्क, 11 आ जाएंगे तो ही आप पास हो जाएंगे। नहीं तो कोई स्टूडेंट का ऐसा होता है, उन्हें समझ में आता है, ऐसे कहेंगे कुछ स्टूडेंट कि हमें 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाए, हम वहाँ पे 30 मार्क्स मिलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे आपको कंपलसरी 11 मार्क्स मिलाने ही है। कि हाउ मेनी मार्क्स से, 30 मार्क्स से, 30 मार्क्स में से कम 11 मार्क्स तो हमें कंपलसरी मिलाने हैं। इतने नहीं मिलेंगे तो आप यहाँ पे भी फेल हो सकते हैं कॉलेज में, ये भी हमें याद रखना है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट जो आता है सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम जो 1 मार्क्स के लिए होता है, जो भी हमें बड़ा एक्सपेरिमेंट कहेंगे, 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कहेंगे, उसके लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। तो किस तरह से रहेगा उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे सर्किट डायग्राम रहेगा 1 मार्क्स, उसके बाद सेटिंग ऑफ एपरेटस ये राइट डाउन करना पड़ता है हमें जब आप प्रैक्टिकल रहेंगे। मैं आपको जो ओ भी कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में। तो ओ भी 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद फॉर्मूला हमें राइट डाउन करना पड़ता है, उसका एक्सप्रेशन देना पड़ता है, तो वो होता है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है उसका परफॉर्मेंस विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग, जो कि हमें ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, उसे है 3 मार्क्स टोटल, जो कि हम ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें रीडिंग डालेंगे। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में 8 मार्क्स के लिए था, इस न्यू सिलेबस में 10 मार्क्स की कर दिए इसे। तो देखो आगे 5 नंबर का जो होगा उसका कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन नहीं तो उसका ग्राफ रहेगा। जब कैलकुलेशन ग्राफ रहेगा तो 1-1 मार्क्स दिया जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये हो गया उसके 2 मार्क्स। उसके बाद देखो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के लिए भी यहाँ पे रिजल्ट और कंक्लूजन के लिए 2 मार्क्स दिया है, जो कि लास्ट ईयर में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, जो ऐड कर दिया 8 के कितने कर दिए, 10 कर दिए, जो लास्ट ईयर में 8 थे यहाँ पे 10 कर दिए। तो उसके बाद आता है 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आता है, उसका टाइम होता है 45 मिनट, यहाँ पे होता है 130 मिनट्स होता है, तो वो होता है 5 मार्क्स के लिए। ओके, जो लास्ट ईयर एक्टिविटी थी इस ईयर से क्या कर दिया है आपको, न्यू सिलेबस से 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट लिया है। तो वहाँ पे रहेगा सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम रहेगी 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद आएगा उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग आ जाएगा, मतलब उसके ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, और रहेगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है कैलकुलेशन रहेगा, उसका ग्राफ रहेगा, तो ग्राफ भी हो सकता है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आता है रिजल्ट आता है विथ प्रॉपर यूनिट आता है, कंक्लूजन आता है, तो उसको भी है 1 मार्क्स। तो उसकी टोटल एडिशन करेंगे तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये 10 और ये 5। ओके, उसके बाद एनी 1 एक्टिविटी आ जाएगी 5 मार्क्स के लिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा वो भी देखेंगे हम। यहाँ पे दिया है देखो, वो एक्टिविटी का दिया है आपके सामने, देखो परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसका भी कितने मार्क्स दिए गए उसके लिए, 3 मार्क्स दिए। उसके बाद राइट अप करना है हमें, राइट डाउन हमने करना है, मतलब हमने क्या किया है एक्टिविटी में,
उसे हमें राइट डाउन करना पड़ता है, जो सेम लास्ट ईयर भी पॉइंट था उसे भी एक मार्क्स से। उसके बाद उसका जो कंक्लूजन होता है, रिजल्ट होता है, उसके लिए कितना दिया है, 1 मार्क्स दिया है। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3 + 2 = 5 हो जाएंगे। ऊपर के 10 + 5 = 15 + 5 = 20 हो गए। उसके बाद देखो वाइवा आती है, वाइवा भी कितने मार्क्स के लिए है, देखो यहाँ पे दिया है 5 मार्क्स के लिए होती है। कितना मिनट लगेगा वहाँ पे, 15 मिनट लगेगा, तो हो गया 5 मार्क्स के लिए। और जो लास्ट आता है, जो हमारा पूरे ईयर का जो वर्क होता है, जो कि हम कहेंगे जर्नल कहते हैं उसे, तो ये जर्नल होता है, जर्नल सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड रहेगा तो ही आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पता है एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर का वहाँ पे साइन भी होता है। जब एक्सटर्नल एग्जामिनर का साइन हो जाएगा तो ही आपका जर्नल सर्टिफाई रहेगा। आपके जो HOD हो जाएंगे, जो फिजिक्स के HOD रहते हैं, उनका भी वहाँ पे क्या करना पड़ता है, साइन लेना पड़ता है। सब्जेक्ट टीचर का भी साइन लेना पड़ता है, तभी आपकी फाइल क्या हो जाती है, सर्टिफाई हो जाती है। तो उसके लिए मार्क्स आते हैं 5 मार्क्स। ओके, तो कम से कम हमें कितना प्रैक्टिकल करना पड़ता है, 75 प्रैक्टिकल हमें कंपलसरी कंप्लीट करने पड़ते हैं हर साल। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है, जो कि आगे दिया है, देखो यहाँ पे, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे आ गया है देखो, जो कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा। हर क्वेश्चन में कितना सेक्शन होता है, हर पेपर में 70 मार्क्स के पेपर में सेक्शन कितने रहते हैं, टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, ABCD, ऐसे 4 सेक्शन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर, जो कि 10 मार्क्स के लिए रहेगा। उसमें 7 थ्योरी आती है। हमेशा याद रखो, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न आपके समझ में आ जाएगा तो ही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है, जो 10 क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें 7 थ्योरी रहती है, 3 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स के लिए रहेगा, उसमें से 6 थ्योरी होती है, थ्योरी पे डिपेंड होते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे उस पर। उसके बाद देखो सेक्शन बी आता है, उसमें भी वैसा ही है, 3 to 14 नंबर के क्वेश्चन तक क्वेश्चन रहते हैं, और जो शॉर्ट आंसर में आते हैं, ओके, तो उसमें से 7 कंपलसरी थ्योरी रहेगी और 5 क्या कर रहेगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। मतलब 7 + 5 = 12 क्वेश्चन होते हैं टोटल, लेकिन 12 में से हमें अटेंड करने पड़ते हैं 8 करने पड़ते हैं। मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जबकि हमारे ये थ्योरी कंपलसरी हो जाएगी प्रिपेयर 100%, तो इस 5 न्यूमेरिकल में से हमें ज़्यादा नहीं राइट डाउन करना है, एक ही न्यूमेरिकल हमें राइट डाउन करना पड़ेगा। हमारी थ्योरी बहुत अच्छी प्रिपेयर रहेगी, तो किसी के न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, तो वो भी क्या कर सकता है, 5 क्या करेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा और राइट तो 3 थ्योरी राइट डाउन करेगा, तो आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। 12 में से हमें सिर्फ कितने राइट डाउन करने हैं, 8 राइट डाउन करने। उसके बाद जो आता है सेक्शन सी आता है, तो सेक्शन सी में क्या आता है वो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है, अटेम एनी 8 बता दिया है, आपको कितने राइट डाउन करना है, 8 राइट डाउन करना है। देखो 15 to 26 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन रहते हैं 12 रहेंगे, तो 12 में से हमें अटेंड कितना करना है, 8 करना है, सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसमें से 7 थ्योरी तो हो जाएगी, 7 क्वेश्चन थ्योरी के रहेंगे। आपकी जब थ्योरी परफेक्ट रहेगी तो यहाँ से हमें एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर क्या नहीं, आपको पूरे मार्क्स आ सकते हैं। डी सेक्शन भी रहेगा, 3 क्वेश्चन हमें अटेंड करने पड़ते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से कितने हमें कंपलसरी अटेंड करने पड़ते हैं, 3 हो गए, तो क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का एक होता है, 4 3 का कितना हो जाएगा, 12 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। चलो उसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, मस्ट कैरी 2 मार्क्स थ्योरी, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल रहेंगे, जो कि यहाँ पे जो है ना टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो 2 मार्क्स के लिए थ्योरी रहेगी, 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल, तो 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो टोटली थ्योरी पे रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस 3 में से कोई 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। तो मैंने ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट को तो बता दिया है कि न्यूमेरिकल कंपलसरी कितने मार्क्स के लिए आते हैं, मैंने ऑलरेडी उनको बता दिया, आपको भी बताता हूँ, जो कि न्यूमेरिकल हमें कंपलसरी आते हैं, यहाँ पे भी दिया है देखो बोर्ड ने भी मेंशन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आते हैं 12 to 15 मार्क्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मैक्सिमम आएंगे 12 मार्क्स के लिए, 12 to 15 मार्क्स के लिए कंपलसरी रहेंगे, ज़्यादा नहीं आए जाएंगे। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच
सेक्शन, तो हर सेक्शन में वहाँ पे न्यूमेरिकल रहेंगे, मैंने आपको अभी दिखा दिया। तो ये हो गया उसका पैटर्न हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको ये दिखा दिया। उसका जो 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से रहेगा, देखो यहाँ पे दिया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा 70 मार्क्स का, देखो यहाँ पे 2020-21 के लिए यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो यहाँ पे हमें अटेम्प करना पड़ता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे तो हमें इस तरह से ए राइट डाउन करना पड़ता है, बी और उसका आंसर, सी आंसर हो तो सी, ये हमें कंपलसरी राइट डाउन करना पड़ता है। मतलब ए आंसर हो तो ए राइट डाउन करने का, उसका जो आंसर रहेगा वो राइट डाउन करने का, ये राइट डाउन किया तो ही हमारा मार्क्स आता है, नहीं तो हमें मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे जीरो मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हमें कितने मार्क्स का किस तरह से प्रिपरेशन करना है, हर मार्क्स जो होता है वो कौन से कंसेप्ट के लिए है, कौन सा पार्ट हमें राइट डाउन करना पड़ेगा तो हमें मार्क्स मिलेंगे, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो सबको ऑल द बेस्ट, हमारे अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी इस वीडियो के नीचे लिंक में दिए हैं, आपको हो सके तो आप देख भी सकते हैं, आपको उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।